रामानंद जी बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। वो कह रहे थे कि शायद मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा आयोजित श्री राम कथा का विश्व संदर्भ इस आयोजन में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबके साथ संबद्ध है। डॉक्टर महात्मा पांडे जी, डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, डॉक्टर किरण बाला जी और स्वागताध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, स्वस्ति पांडे जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर नारायण एस बी एस राजू जी, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगी जिनका बीच वक्तव्य होना है, ऐसे प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर वी के कुंजल जी, अगमानंद स्वामी महाराज जी नमन आपको, नीतू नवगीत जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, योगाचार्य सदेन सिंह जी, मीमांसा ओझा जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर आलोक चौबे जी, डॉक्टर विद्या रानी, डॉक्टर अंजनी कुमार राय और डॉक्टर माधुरी जो सूत्रधार रहती हैं, अन्य वे सभी जो किसी न किसी रूप में आज इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं और प्रभु राम के चरित्र के विषय में संवाद की इस व्यवस्था में हम सबको उपकृत कर रहे हैं अपनी उपस्थिति से। आज हम लोग यहाँ संदर्भ ग्रंथ निर्माण की भूमिका के प्रथम खंड के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अपने अपने स्तर से, अपने प्रयत्न से, अपनी जानकारी से अथवा जो कुछ भी आप लोगों ने श्रवण किया है, देखा है, राम कथा स्थल का दर्शन किया है, सबको समेकित करते हुए, समेटते हुए आप सब महत्वपूर्ण योगदान इस ग्रंथ के निर्माण में करने वाले हैं। और प्रथम खंड ही इतना अद्भुत होगा जिसे हम दिव्य कह सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम से संबंधित गूढ़ बातें, उनके मर्म को समझना तो असंभव है लेकिन मर्म तक पहुंचने का सदप्रयास उसमें दिखेगा। तो इस प्रथम खंड के लिए आप सबका सहयोग निवेदित है। और अंत में पुनः अपने प्रिय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी का मैं ध्यान कर रहा हूँ, जिनके कारण लगातार आप सबसे संवाद का अवसर मुझे मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु राम के विषय में चर्चा ही सत्संग है। उनके जीवन यात्रा के जो भी स्थल हैं उनसे संबंधित, वहाँ पहुँच जाना ही सत तीर्थ का दर्शन होता है और उसका लाभ सहज ही प्राप्त होता जाता है। तो इसलिए पूरे जीवन क्रम में प्रभु राम जहाँ जहाँ भी पधारे, जहाँ जहाँ भी गए अथवा जहाँ जहाँ लोगों का सौभाग्य था कि उनके चरण कमल उनके स्थान तक पहुँच जाए, ऐसे जिन स्थलों पर प्रभु राम गए उन स्थलों को भी नमन, जो लोग उनका दर्शन किए उनका वंदन और जो लोग उनकी कथा का आज श्रवण कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन। प्रभु राम जब अयोध्या से वन गमन करते हैं तो केवट से संवाद होता है और विशेष करके जब गंगा पार करना होता है, वही केवट जो पहली बार घोषणा करता है कि प्रभु राम मैं तो आपके मर्म को जानता हूँ, ऐसी घोषणा करने वाले मिल नहीं सकते, क्योंकि यह तो वही जान सकता है जिस पर भगवान राम की अतीव कृपा हो, वही उनके मर्म को जान सकता है, उनके बारे में जान सकता है। गंगा पार कर भारद्वाज आश्रम तक पहुँचे प्रयागराज से होकर, प्रयागराज में ही और फिर वहाँ उनके साथ भारद्वाज मुनि के साथ प्रभु राम ने विश्राम किया और प्रातः पुनः प्रयागराज का बंदन, चलते समय एक गूढ़ प्रश्न किया प्रभु राम ने भारद्वाज मुनि से कि हे प्रभु मुझे आगे जाने का रास्ता बताइए। और भारद्वाज जी मुस्कराए कि जो सारे ब्रह्मांड का पथ निर्मित करते हैं, पथ पर कैसे चलें इसके लिए निर्देशित करते हैं और पथ पर चलने का पाथेय प्रदान करते हैं, वह प्रभु आज मुझसे
पथ पूस रहे हैं। और भारद्वाज ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु कौन सा मार्ग है जो आपसे अबूझ है, जिसे आप जानते नहीं? आप तो जिधर देख लेते हैं जिस मार्ग की ओर, वह सन्मार्ग हो जाता है, फिर भी आपकी इच्छा का मुझे बोध है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं इसका भी मुझे बोध है, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं और त्रिकाल की रचना करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु को मार्ग बताना यह नितांत जटिल है, फिर भी आपने कहा है तो मैं आपको सहयोग करने के लिए, चार बटुक हमारे यहाँ के आश्रम में रहने वाले, इनको आपके साथ में कर देता हूँ। और मुझे पता है कि सब पथ आपको प्राप्त है, ज्ञात है और आप ही द्वारा निर्मित है, फिर भी ये चार आपके साथ जाएंगे। इसके मूल में भाव ये था कि ये जो चार आपके साथ जा रहे हैं, इनका बड़ा संकलित पुण्य है, कुछ दूर तक, कुछ देर तक आपके सानिध्य में रहकर अपने इस पुण्य राज को और बढ़ाने वाले हैं और बिना मांगे ही सब कुछ पा जाने वाले हैं। फिर प्रोग्राम प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं, जमुना पार करते हैं, बटुक लोगों को वापस भेजते हैं, इनका मनोरथ सिद्ध होता है प्रोग्राम के साथ चलने का। और फिर आगे एक तपस्वी का आगमन होता है, विशेष प्रसंग है इस मानस में। और उसके बाद प्रभुराम जब आगे बढ़ते हैं तो इस पूरे मानस यात्रा में प्रभु का पूरा प्रसंग ही अमृत मानसरोवर है, और हर कदम इस अमृत की धारा प्रवाहित होती है। इसी यात्रा में प्रभुराम वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं और फिर भगवान वाल्मीकि की वंदना करते हैं। वही वाल्मीकि जो प्रभु राम के संपूर्ण चरित्र को देख रहे होते हैं, क्या अतीत में है, क्या वर्तमान में है और क्या आगे होने वाला है, सब कुछ वाल्मीकि रामायण में पहले ही चर्चित किया, अंकित किया, वर्णित किया महामुनि वाल्मीकि ने। और फिर उनके पास जब जाकर भगवान राम ने उनकी अभ्यर्थना की, जैसा वो करते ही रहते हैं आश्रम में जाकर मुनिगण का, सिद्धजन का, तो इस भाव से उनके पास उन्होंने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, अस कई प्रभु सब कथा बखाने, जय जय भांति दीन बनु रानी। उनको त्रिकालदर्शी कहते हुए यहाँ तक पहुँचने की पूरी कथा उन्होंने बताया। और उसके बाद जो रोचक प्रसंग है वह आरंभ होता है, और मूलतः भक्ति की श्रेष्ठता, भक्त कौन होता है, मन किसका निर्मल है और हृदय किसका स्वच्छ है, क्योंकि पूरे मानस में प्रभु के लिए निवास स्थान मन और हृदय, निर्मल मन, स्वच्छ हृदय, यह प्रभुराम के लिए स्थान बताए गए हैं और बहुधा प्रभुराम वहीं रहते भी हैं। इसलिए प्रभुराम ने वाल्मीकि जी से एक सुंदर प्रश्न किया, उनकी अभ्यर्थना की, वंदना की और फिर कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके पास आया हूँ, यह पथ कैसे प्रशस्त हो, तो इसके लिए मुझे कुछ स्थान की जानकारी चाहिए। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊँ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊँ, तह रचि रुचिर परन तृणशाला, वासु करौ कछु काल कृपाला। हे मुनिवर, आप तो सिद्ध हैं, आपको तो सब पता है, मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें और मुझे कोई ऐसा स्थान बता दें जहाँ सौमित्र अर्थात लखन जी के साथ और जगत जननी जो प्रभु राम की संगिनी है, जानकी जी के साथ कुछ दिन तक मैं निवास करूँ। ऐसा प्रश्न सुनते ही वाल्मीकि जी विह्वल हो गए और वह स्वयं अब राम की वंदना करने लगे, और वंदना में बहुत कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है, वेद निरंतर उसे नेति नेति कहकर
वर्णन करते हैं, अर्थात साधक सिद्ध सुजान सब आपकी वंदना में आपके पास तक पहुंचने की कोशिश करने के साथ ही जानने के बाद भी कहते हैं कि प्रभु आप इतना ही नहीं है, ना इति, आप बहुत कुछ हैं, और बहुत कुछ की बखान कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। वही बखान कर पाएगा सोई जानने जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानना ही भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, आपको तो वही जान सकता है जिसे आप स्वयं बता दें, और जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाए प्रभु, उसका हृदय तो चंदन के समान हो जाए और वह आपको जानने लगे, और सतत भक्ति उसे मिल जाती है, निर्मल भक्ति वह प्राप्त कर लेता है। आप तो सबके हृदय जो आपके भक्त हैं उनको शीतल करने वाले हैं, इसलिए प्रभु आपको समझ पाना तो संभव नहीं है, आप ही सबको समझा सकते हैं, और जो आपको समझ लिया वही आप हो जाता है, इसलिए ऐसे आपको मैं क्या बताऊं। फिर आगे उन्होंने वंदना किया और कहा, दो प्रसंग मानस में ऐसे आते हैं जिसमें प्रभु राम संकेत करते हैं कि अब आप अपनी वाणी को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। एक प्रसंग आता है जब भी प्रभु राम का अवतार होता है, भगवान शिव और कागभूषण भी उन्हें देखने अयोध्या पहुंचते हैं, और फिर साधु वेश में भगवान शिव होते हैं माँ कौशल्या की अनुमति से भगवान राम के पास जाकर उनके विषय में बताना शुरू करते हैं एक ज्योतिषी की तरह, और जब यह बात बोलते हैं कि प्रभु माँ या आपका बालक तो साक्षात, जैसे ही साक्षात कहते हैं तो प्रभु राम उनको संकेत करते हैं कि बस अब इसके आगे नहीं, भेद खुल जाएगा। तो एक बार भेद खोलने के लिए भगवान शिव को संकेत करते हैं, और दूसरा प्रसंग आता है इस मानस में अयोध्या कांड में, प्रयागराज के बाद जब आगे निकलते हैं प्रभु राम वाल्मीकि आश्रम पहुँचते हैं और उनसे अपने लिए स्थान पूछते हैं, हे मुनिवर मेरे लिए स्थान बताइए, तो वहाँ फिर भगवान राम को संकेत करना पड़ता। पूछे मोय की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सचाओ, जन हो तह देव कई तुम्हें दिखाऊँ था। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछने में आपसे संकोच कर रहा हूँ कि हे प्रभु आप वह स्थान मुझे बता दीजिए जहाँ आप न हो, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊँ। अब यह कह के मुनिवर कुछ और कहने वाले थे, सुन मन बचन प्रेम रस जाने, ऐसा कुछ राम मन मह मुख सकाने, वाल्मीकि हंस कहें बहोरी, बानी मधुर अमे रस बोरी। जैसे ही वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे आप बताइए कहाँ नहीं है, तो उनके प्रेम रस से भीगे हुए वचन को देखकर प्रभु राम जान गए कि कहीं आगे कुछ और न कहते। तो जो उनका दिव्य विस्मय होता है, जो दिव्य स्मित होता है, उसे उन्होंने व्यक्त किया। वाल्मीकि जी ने समझ लिया कि भगवान राम इसके आगे नहीं कहने की हिम्मत दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपनी मीठी वाणी से प्रभु राम के लिए बताना शुरू किया कि प्रभु राम आप कहाँ कहाँ रहेंगे। जो सबसे प्रमुख बात थी वह यह थी कि पूरे संवाद में, वाल्मीकि और राम के संवाद में, वाल्मीकि जी ने मन और हृदय को उनके लिए स्थान बताया, और फिर चित्रकूट में निवास करने की बात कही। आज का प्रसंग इसी से संदर्भित है। कहा वाल्मीकि जी ने, सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसों से लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कि हे प्रभु राम अब मैं आपके लिए स्थान बता रहा हूँ, आप वहाँ सीता जी और लखन जी के साथ निवास करिए, जो श्रवण करते समय, अर्थात जिनकी श्रवण शक्ति अथवा जिनका कान अथवा कान में जाने वाली वाणियों का पुंज समुद्र के समान, और उसमें आपके कथा से संबंधित नदियां जाती हों, कथामृत पहुंचता हो, फिर भी ऐसा समुद्र हो जो कभी भरे ही नहीं, अर्थात जिनका कान आपकी कथा सुनने से तृप्त नहीं होते, उनका हृदय ही आपके लिए सुंदर घर है। भर निरंतर हो इन पूरे तिनके ही तुम कहो
गुहरेरे लोचन चातक जिनकर राखे रहें दरस जलदर अभिलाषे, जिनके नेत्र आपके लिए चातक बने हुए हैं, मेघ रूपी आपको देख करके वह चातक भाव में हैं और उनकी एक ही आकांक्षा है कि आपकी कृपा का एक बिंदु भी उनके नयनों में पहुंच जाए। जो ऐसा भाव रखते हैं आप उनके हृदय में निवास करिए। निद्रा सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तथा जो भारी नदियों समुद्रों और सरोवर का बहुत सम्मान नहीं करते, केवल आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद की ही लालसा करते हैं। अर्थात ऐसा क्यों कि आपका दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंक की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य को कुछ नहीं समझते। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आगे कहा, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जास, मुक्ता हर गुल गन सुनै राम बसों ही जास। हे प्रभु, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जिह्वा हंसिनी बनकर आपके गुण समूह मोतियों को चुगती है, प्राप्त करने की कोशिश करती है, साधना करती है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आपको निवास करना है। प्रभु प्रसाद सुसुभक सुभाषा सादर जासु लहाई नितनासा, तुम्हें निवेदित भोजन कर रहे प्रभु प्रसाद पट भूषण धर रहे। और जिनकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर सहित ग्रहण करती है, अर्थात आप जहां भी होते हैं वायु सुगंधित हो जाती है, परिवेश सुगंधित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। जो ऐसे परिवेश की वायु को ग्रहण करने वाले हैं, जो भोजन करते समय आप ही को अर्पित करते हैं, आपका निवेदन करते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, हे प्रभु ये आप ही ने दिया है इसलिए आप ही को है, और पुनः उसे आपका प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं। जो आप आवरण भी आप ही का धारण करते हैं, जो कुछ भी वो धारण करते हैं, वस्त्र उनका जो भी होता है, वो मानते हैं कि आपके प्रसाद के स्वरूप ही ये वस्त्र हैं और उस रूप में भी आपका स्मरण कर लेते हैं। यह भाव जिसके साथ हो, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए। शीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय बिसेखी, जिनके मस्तक देवता गुरु और ज्ञानियों के समक्ष सम्मान सहित झुकते हैं, कर नित करें राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा, जो निरंतर आपका ही वंदन करते हैं, जो स्वयं आपके चरणों में आस्था रखते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, उस हृदय में जाकर के आप निवास करिए। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, राम चरण अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गह चाहत चढ़न आकाश। कि अगर राम के चरणों का अवलंब ना हो और फिर हम परमार्थ की कामना करें, तो यह ठीक उसी तरह से है कि बारिश को की बूंद को पकड़कर हम आसमान में चढ़ना चाहते हैं। इसलिए अगर राम में भरोसा है, राम के चरणों में भरोसा है, तो कोई भी लक्ष्य अलभ्य नहीं है। हमें हमेशा प्रभु राम के चरणों में ही नत होना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए और उन्हीं का भरोसा रखना चाहिए। चरण राम तीरथ चरि जाही राम बसौ तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। हे प्रभु, जो सदैव आपसे संबंधित स्थलों पर जाने के लिए तत्पर रहते हैं और जाते हैं, क्योंकि सारे तीर्थ हैं, आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य आपके मंत्र का जाप करते हैं, श्रेष्ठ मंत्र है राम नाम, श्रेष्ठतम मंत्र है राम नाम, जो इस मंत्र का
जाप करते हैं, सपरिवार आपकी पूजा करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करिए। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाए देह बहुदाना, तुमते अधिक गुरु जी बाने, सकल भाए सेवह मन मानी। हे प्रभु जो अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ज्ञानियों को द्विजों को भोजन कराकर उन्हें यथोचित दान दक्षिणा देते हैं अर्थात सम्मान करते हैं, और जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक सम्मान देते हैं। मानस में सर्वत्र इस प्रकार का भाव है, प्रभु स्वयं भी ऐसा कहते हैं कि हमसे आगे बढ़कर गुरु का ध्यान करना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। तो जो ऐसा भाव रखते हैं उनका हर प्रकार से सम्मान करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। सब कर मांगे एक फल राम चरित्रत हो, तिनके मन मंदिर बसव श्री रघुनंदन दो। और यह सब कर्म करके जो केवल एक ही फल मांगते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, ऐसे लोगों के मन मंदिर में हे प्रभु आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए। आगे वाल्मीकि जी ने अब यथार्थ जो हम सबको विशेष रूप से ध्यान में रखना है उसकी ओर संकेत किया। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। अर्थात जो काम मुक्त है, क्रोध मुक्त है, मद रहित है, मान मुक्त है, मोह मुक्त है, लोभ मुक्त है, क्षोभ मुक्त है, राग मुक्त है, द्रोह मुक्त है, अर्थात काम क्रोध मद लोभ मत्सर राग द्वेष छल कपट दंभ माया सबसे जो मुक्त है, हे प्रभु वहां रहिए। इसमें से कोई भी एक जब जुड़ जाता है मनुष्य के साथ तो उसकी शुचिता बाधित होती है, अर्थात इनसे रहित व्यक्ति ही शुचिता पूर्ण व्यक्ति होता है। और भगवान राम तो वहीं निवास करते हैं जहां शुचिता होती है और जहां सारे सील होते हैं, भगवान राम का निवास वहीं होता है। इसलिए हमें काम क्रोध मद मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष कपट दंभ और माया इनसे हमेशा विरत होना चाहिए, दूर होना चाहिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा एक समान लगती है अर्थात इसके ऊपर हैं, जो सदैव विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और सदैव प्रतिपल जागते सोते कहीं भी होते सिर्फ आपका ही स्मरण करते हैं, आपके ही शरण में होने का भाव रखते हैं, आप उनके हृदय में विश्राम करिए, निवास करिए। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराओ बिस्ते बिस भारी। और आपको छोड़ करके जिनके मन में दूसरे का कोई आश्रय नहीं, कोई गति नहीं है, दूसरे का कोई विचार नहीं है, आप उनके मन में निवास करिए। जो पराई नारी को माँ के समान सम्मान करे, स्थान दे, आप उनके हृदय में विश्राम करिए। हे प्रभु जिन्हें पराया धन विष से भी भयंकर विष लगता है, आप उसके हृदय में निवास करिए। जे हर साई पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपद बिसेखी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु जो दूसरे का वैभव देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपदा देखकर दुखी हो जाते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, प्रिय हैं, उनका मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है, ऐसे लोग ही भगवान राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिनके मन में लोभ ना हो, जिनके मन में सहानुभूति संवेदना सद्भावना हो, उनके हाथ निवास करें उनके हृदय में, और जो सदैव आपकी शरण में ही रहें उनके मन में आप निवास करें। स्वामी सखापित मात गुरु, जिनके सब तुम तात,
मन मंदिर तिनके बसव सीय सहित दो भा, जो आपको स्वाम सखा माता पिता गुरु सम्मानते हैं इस भाव से देखते हैं, उनके मन मंदिर में हे प्रभु आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित विश्राम करें निवास करें। आप ये सब जानते ही हैं, भगवान राम की वंदना प्रभु बनते हैं, पितमा सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, ऐसा भाव रखने वाले व्यक्ति के मन में आप निवास करें। अवगुण तज सबके गुण गाएं विप्रधेन हित संकट सहें, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों का ध्यान करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं, द्विज गाय के लिए स्वयं अपने को कष्ट में डाल लेते हैं, जो नित निपुण हैं, जो न्यायवादी हैं और ऐसे लोगों की ही जगत में मर्यादा है, उनके सुंदर मन में आप निवास करिए, वही आपका स्थान है। मनुष्य का स्वभाव कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। हर मनुष्य में सद्गुणों की संख्या बहुत ज्यादा है, अवगुण बहुत कम होते हैं। हमारे स्वभाव में होता है कि हम अवगुण की तलाश करते रहते हैं, सहज मानव का स्वभाव है, लेकिन श्रेष्ठ मानव बनने का रास्ता वाल्मीकि जी ने बताया कि जो औरों के सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अर्थात उसकी कमियों पर विचार नहीं करते, आप उनके मन में निवास करिए। ये हम सबको निरंतर ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में सद्गुण बहुत ज्यादा है और हमें सद्गुण ही देखना चाहिए, किसी की कमियों पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप विचार करते हैं तो उसके परिहार का उपाय बताइए, उसे सर्वथा गुणी बनाइए, यह इस भाव का संदेश है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सद भात तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागे जे ही ते उर बसव सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये हमेशा विचारणीय होती है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझे, उसके हृदय में आपका निवास हो और जो हर प्रकार से आप ही का भरोसा रखता हो, उसमें आप निवास करें। यह जो भगवान राम का गुण मानकर चले कि जो कुछ मिल रहा है यह प्रभु की कृपा से मिल रहा है, प्रसाद से मिल रहा है, इस पर एक और संदर्भ आता है। लक्ष्य बड़ा हो कठिन तपस्या, हृदय बड़ा मृदु वाणी, श्रेय राम का दोष हमारा यह प्रवृत्ति कल्याणी। कि हमें बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, कठिन तपस्या करनी चाहिए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, विशाल हृदय का होना चाहिए, निर्मल हृदय का होना चाहिए और वाणी हमेशा मृदु होनी चाहिए, मीठी, क्योंकि वाणी भी आहत करती है। ऐसा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हमारी वाणी से कोई आहत ना हो। फिर अगर हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें हमारा कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव शब्द सांची, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो श्रेय राम का, हमारी उपलब्धियों का सारा श्रेय भगवान राम का है, और अगर उपलब्धियां नहीं मिल रही हैं, लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा आ रही है, यह दोष हमारा है। अगर यह प्रवृत्ति रहेगी तो निरंतर कल्याण ही होगा, यह हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भात तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागे जय ही ते उर बसव सहित वैदेही। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदायी, सत्यस रहें तुम्हारी शरण तय के हृदय राहु रघुराई। हे प्रभु, जो विभिन्न प्रकार के विभेद हैं इनका ध्यान नहीं करता, जो परिवार और सुख देने वाला घर है सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। अर्थात विभिन्न प्रकार के विभेदों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, जो घर परिवार में रहकर भी, सबके साथ होकर भी, सबका सहयोग लेकर भी, सबको सहयोग देकर भी निरंतर आपका ध्यान करता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए। सर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनु बाना,
करम बचन मन राउर चेरा राम करौ ते के उर डेरा। हे प्रभु स्वर्ग नरक और मोक्ष दृष्टि दृष्टि में एक समान है क्योंकि वह सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र आपको ही धनुष बाण धारण किए हुए देखता है। मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से वह आपका ही सेवक है आपका ही दास है। हे प्रभु ऐसे व्यक्ति के मन में आप विश्वास करिए उसके हृदय में आप निवास करिए वही आपके लिए गे है क्योंकि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही निर्मल देहधारी व्यक्ति है। ऐसे देह में ही आपका गे हो सकता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेव बसव निरंतर तासु मन सो राउर निज गेव। अर्थात हे प्रभु जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो नैसर्गिक लगाव हो जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए हे प्रभु आप उसके मन में निरंतर निवास करिए वही आपका घर है। ए विधि मुनवर भवन दिखाए वचन से प्रेम राम मन भाए का मुन सुनव भानकुल नायक आश्रम कहाँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर बता दिया कि कहाँ कहाँ आपका घर है और उनके प्रेम पूर्ण वचन को अच्छा मानकर भगवान राम मुदित हुए और पुनश्च मुनि ने कहा हे सूर्यकुल के स्वामी अब मैं इस समय के लिए आपको सुखदायक आश्रम बताता हूँ जहाँ आप निवास करें। चित्रकूट गिरि करह निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है सैल सुहावन कानन चारू कहि के हरि मृग बिहग बिचारू। वहाँ हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। संकेत था कि हे प्रभु अब उनका भी पौण्य पूरा हो रहा है अब उनके भी दर्शन आपके मिलें इसका समय आ गया है इसलिए आप वहाँ विश्राम करिए। नदी पुनीत पुराण बुखानी अति अत्रि प्रिया निज तप बल आनी सुरसरी धार नाव मन दाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने बहुत प्रशंसा की है और जिसको अत्र ऋषि की पत्नी सती अनसुईया ने अपने तपोबल से उस स्थान तक बुला लिया था। वह गंगा जी की धारा है उसकी उसका मंदाकिनी नाम है। हे प्रभु वहाँ आपको रहना है वहाँ किसी भी प्रकार की अशुभ शक्तियाँ नहीं होती उन अशुभ शक्तियों का विनाश उस धारा में हो जाता है। अत्रि आदि मुनिवर बस करहीं करहीं जोग जप तप तन कहीं चलो सफल सम सब कर करहूँ राम देव गौरव गिरि बरहूँ। वहाँ अत्रि जैसे बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं जो योग जप और तप करते रहते हैं और अपने शरीर को साधना की कसौटी पर कसते हैं। हे प्रभु वहाँ सबके परिश्रम को सफल करिए उनकी साधना को सफल करिए और श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट को भी गौरव प्रदान करिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का वर्णन किया और तब प्रभु राम सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित आकर के श्रेष्ठ मंदाकिनी में स्नान किए और वहाँ फिर पर्ण कुटी बना करके रहने लगे। इस तरह जो सबके लिए गेह सुलभ कराते हैं जो सबको देह भी प्रदान करते हैं इस देह गेह का सूत्र निर्धारित करते हैं कड़ी निर्धारित करते हैं ऐसे प्रभु राम वाल्मीकि जी से इस वन यात्रा के अनंतर अपने लिए स्थान पूछते हैं और सिद्ध मुनि त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी उन्हें उनके रहने योग्य स्थान बनाते हैं। वस्तुतः प्रभु राम जहाँ भी खड़े हो जाएं वह उनके योग्य ही हो जाता है। फिर भी प्रभु राम की जिज्ञासा को मुनि भाव से उन्होंने उसका समाधान किया और इस तरह हम सबके लिए
मानस में एक संदेश दिया कि हमें किन कमियों से मुक्त हो जाना चाहिए और किन सद्गुणों से युक्त हो जाना चाहिए। सद्गुण ही हमारी पहचान है, हमारी मानवता के प्रतीक हैं और यही मानवता जगत के कल्याण का हेतु है। सद्गुण मिलता भी तब है जब प्रभु राम की कृपा हो जाती है, वाल्मीकि जैसे संतों की कृपा हो जाती है, वशिष्ठ विश्वामित्र और भारद्वाज जी जैसे ऋषियों की कृपा हो जाती है, तो सद्गुणों की सहज प्राप्ति हो जाती है। और सर्वाधिक सद्गुण सद्गुणों की खान की प्राप्ति तो तब होती है जब हम प्रभु राम में आस्था रखते हैं, उनमें भरोसा होता है, क्योंकि पूरा श्वसन तंत्र उन्हीं के द्वारा संचालित है, हम उन्हीं के द्वारा रक्षित हैं और उन्हीं के द्वारा स्पंदित हैं। ऐसे प्रभु राम को निरंतर नमन, वन गमन कर रहे प्रभु राम का हम ध्यान करें। उनके लिए जो वाल्मीकि ने बताए हैं स्थल, उन्हें हम अपने मन मानस में और अपने हृदय में सृजित करें। निश्चय ही अपना कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। यह हमारी मानवीय संवेदनाओं का द्योतक है जिसकी ओर वाल्मीकि जी ने संकेत किया। आज कोरोना काल में इन्हीं संवेदनाओं की विशेष आवश्यकता है, जिनसे हम परहित में लगें और निजहित कुछ भी न माने। जो भी करें भगवान राम की प्रेरणा से करें, तो कोई बाधा इस संसार में रहने वाली नहीं है। बाधाएं हमेशा अल्पकालिक होती हैं और उनका समन होता ही रहता है आपके प्रयास से और प्रभु राम की कृपा से। हम सभी बाधा मुक्त हों और प्रभु राम की चर्चा के संदर्भ में विश्वकोश की रचना करने में अपना योगदान करें, यह आप सबसे मेरी अपेक्षा है और अनुरोध भी। और अंत में एक बार पुनः आप सभी का निरंतर कल्याण हो, आप सबके ऊपर प्रभु राम की निरंतर कृपा रहे। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पानी। बहुत बहुत धन्यवाद।